सरकारचा विजय असो. महाविकास आघाडीचा विजय असो. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. महाराष्ट्र में दूध के दामों को लेकर अब आंदोलन और तेज होते जा रहा है. दूध के दाम बढ़ाने के समर्थन में बीजेपी भी अब किसानों का साथ देकर सरकार से दाम बढ़ाने की मांग कर रही है. शनिवार को किसानों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया. दूध के दाम बढ़ाने को लेकर किसान के आंदोलन में अब बीजेपी पार्टी भी कूद गई है. दूध उत्पादक किसानों की मांग है कि सरकार दूध के दामों को बढ़ाए. बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया. यही नहीं, विरोध में हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया. सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. यहां तक कि सीएम सहित शरद पवार की तस्वीरों के सामने भी दूध डाला गया. सबसे पहले सुने पूर्व कृषि मंत्री दादा भाऊ खोत और बीजेपी नेता धनंजय महाडिक ने क्या कहा है. युति के माध्यम से पूरे राज्य में आज दूध बंद का ऐलान किया है और सब किसान अभी वो आंदोलन कर रहे हैं. हर जिले में आंदोलन चालू है. रास्ते पे किसान आया है और किसानों को दूध का जो अनुदान है वो प्रति लीटर 10 रुपये और निर्यात मुक्ति के लिए 50 रुपये अनुदान मिलना चाहिए. कोविड की वजह से पिछले 4 महीने से देश के राज्य के किसान संकट में है. दूध जिसका रेट तकरीबन 25-27 रुपये था वो 17 रुपये तक आया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की ओर से पूरे राज्य में आज आंदोलन हमने किया है. हमारी डिमांड है कि जो गाय का दूध है उसको 10 रुपये अनुदान मिलना चाहिए. दूध पाउडर जो बनती है उसको 50 रुपये अनुदान मिलना चाहिए और जो अभी दूध बिक्री हो रही है वो 30 रुपये किसान के हाथ में मिलने चाहिए. यानी कि अब दूध के दाम को लेकर बीजेपी किसानों के साथ महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है. मगर वही किसानों का भी कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और भी तेज होगा. तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स.